नमस्कार बच्चों। तो आज हम लोग देखने वाले हैं एससी वर्मा चैप्टर नंबर 8 क्वेश्चन नंबर 13 का सॉल्यूशन। 13 में क्या बोला बेटा, फाइंड द एवरेज फ्रिक्शनल फोर्स नीडेड टू स्टॉप ए कार वेइंग 500 केजी इन ए डिस्टेंस 25 मीटर इफ इट्स इनिशियल स्पीड इज दिस वन। इनिशियल स्पीड कितना दे दिया, 5/18 कर लो तो ये हो जाएगा 4, दैट इज 20 मीटर पर सेकेंड। ऐसा यूनिट में मैंने पहले ही कन्वर्ट कर लिया है ना। तो ये दिया मतलब कोई कार है ना, कोई कार है और इसको क्या करना है, रोकना है विद इन ए डिस्टेंस 25 मीटर के अंदर। तो कौन रोकेगा आप सोचो, दैट इज फ्रिक्शन है ना। तो इनिशियली इसका स्पीड कितना दिया हुआ था, 20 मीटर पर सेकेंड। जब रुक जाएगा बेटा तो इसका स्पीड कितना हो जाएगा, तो आंसर इज जीरो हो जाएगा एंड डिस्टेंस दिया हुआ। तो अब ये फ्रिक्शन निकालने की, फाइंड द एवरेज फ्रिक्शनल फोर्स नीडेड टू स्टॉप, फ्रिक्शन निकालने के तरीके बहुत सारे हो सकते हैं। एक तो काइनेमेटिक्स से आप निकाल सकते हो, ठीक है। दूसरा वर्क एनर्जी थ्योरम, मतलब वर्क से भी निकाल सकते हो। पहले काइनेमेटिक्स से अगर मैं बात करूँ तो काइनेमेटिक्स से कैसे निकालोगे सोचो। तो ये फ्रिक्शन इज रिलेटेड टू व्हाट, एक्सेलरेशन, ठीक है। फोर्स इज रिलेटेड टू व्हाट, एक्सेलरेशन, ठीक है। और मास तो दिया ही है, तो अब ये फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा था, ऑब्वियसली ऑब्जेक्ट जो है वो रिटार्ड कर रहा होगा, तभी तो ये स्पीड जाके जीरो होगा है ना। तो अगर मैं एक्सेलरेशन निकाल लूँ तो फ्रिक्शन की वैल्यू डायरेक्टली लूँगा एम इंटू ए, तो आंसर आ जाएगा सिंपली। तो ए कैसे निकलेगा सर, तो सिंपल सा फार्मूला यूज करो, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा, वी ज़ीरो, यू की वैल्यू 20 है तो 400, ठीक है। एंड एक्सेलरेशन एंड डिस्प्लेसमेंट इज इन अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। या डिस्प्लेसमेंट किधर, इधर की तरफ, या प्लस साइन भी ले सकते हो, कुछ भी लो है ना। तो मैं यहाँ पे प्लस ही लेके चल रहा हूँ है ना, डायरेक्शन के साथ आ जाएगा वो। इन टू एस की जगह पे कितना है, 25, तो ए की वैल्यू नेगेटिव में आएगी। नेगेटिव का मतलब ही होगा क्या, लेफ्ट डायरेक्शन है ना। तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड लिख रहा हूँ ना, 25 × 5 ये हो जाएगा 8, मतलब मैग्नीट्यूड 8 आ गया। तो अगर आप फोर्स की वैल्यू निकालना चाहो तो कितना आ जाएगा, डायरेक्टली 500 × 8 एंड दैट इज इक्वल टू कितना, 4000 न्यूटन। एक तो ये हो गया। कोई कहे नहीं सर मैं इसे वर्क एनर्जी थ्योरम से करना चाहता हूँ, तो ठीक है, वर्क डन बाई ऑल फोर्सेज इक्वल टू, आप जानते हो क्या, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। सिंपली ये वाला थ्योरम लगाओ, ऑल में कौन सा आ जाएगा बेटा, यहाँ पर फ्रिक्शन, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी का मतलब फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, दैट इज जीरो, चूँकि स्पीड ही जीरो हो गया। एंड इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हाफ एम, एम की वैल्यू दिया हुआ है बेटा 500 है ना, 500 kg दिया हुआ है एम की वैल्यू, देख लो एम इज गिवन 500। एंड स्पीड तो आपने क्या निकाला, इनिशियल 20 मीटर पर सेकेंड, तो 20 का स्क्वायर कितना हो गया, 400, तो ये आ गया कितना, 200। तो ये लेफ्ट राइट हैंड साइड में कितना आ गया, -10, 5 × 10 हो गया, और ये 4 0, 1 2 3 4, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड में मुझे वर्क डन थोड़ी ना निकालना है, मुझे फ्रिक्शन निकालना है। तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन क्या होगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, सिंपल सी बात है ना। तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव, क्यों, क्योंकि फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, देख लो फ्रिक्शन इधर लग रहा एंड डिस्प्लेसमेंट अपोजिट राइट साइड है, तो इसलिए यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, एफ डॉट एस भी लिखूंगा, तो ये नेगेटिव आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू -10, 1 2 3 4। तो फ्रिक्शन की जो वैल्यू आ जाएगी वो 1 2 3 4 डिवाइड बाई एस की वैल्यू दिया है कितना, 25। तो ये आप कैंसल आउट करो 4 से है ना, तो 4000, 4 फॉलोड बाई 30, 4000 न्यूटन अगेन इज द सेम आंसर। तो अभी आप पे डिपेंड करता है कि आप काइनेमेटिक्स यूज करते हो या फिर वर्क एनर्जी थ्योरम यूज करते हो, दोनों मेथड से आप इसे कर सकते हो। तो ये था क्वेश्चन नंबर 13 का सॉल्यूशन, ठीक है। नेक्स्ट मिलेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 के साथ।